देशो जी आराम ना तुसी पहला ही बहुत कुछ सहन कर चुके। मैं समझ सकता हूं कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ है। नहीं सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मेरे ਤੇ ਕੀ बीती। मैं वो सब ਤਾਂ नहीं महसूस कर पावांगा जो ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ पर ਮੈਨੂੰ इन्ना ਤਾਂ पता ही है कि उस स्थिति च होना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ ਨਾ हट चुके। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ कोई ਲੋੜ नहीं। सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਣ ਦੀ कोई ਲੋੜ नहीं। ਦੇਸ਼ੋ जी ਤੁਸੀਂ बेफिक्र हो के ना कुछ भी कह सकते। दरअसल सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ कहना ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ सच का पता लगाने ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि सच ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये तो मेरा फर्ज सी देशो जी। सिंपल वर्गी चलाक कुड़ी ने इस ऑफिस से लिया के ना मैं ही बहुत बड़ी गलती की थी। मैं समझना चाहिए कि तुहानू जे अगर वो कुड़ी पसंद नहीं है तो कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। जे मम्मी जी ओदी सिफारिश नहीं ना करते तो मैं उन्होंने दफ्तर च ही नहीं बढ़न देना सी। मैं समझदी हाँ सर जी तुहाडी इहदे विच कोई गलती नहीं है। गलती मेरी ही है देशो जी पर हुण तो ना मैं ज्यादा ध्यान रखांगा। मैं बस तुहाडी सलाह नाल ही लोकां नूं इत्थे भर्ती करना। इस बार मैं गलती दी कोई गुंजाइश नहीं रहन देनी ते मैं आशा करदा कि तुसी मैनूं माफ कर दो। नहीं नहीं सर जी तुसी क्यों माफी मांग रहे हो। नहीं नहीं देशो जी गलती मेरी है पर हुण तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा। सर जी आ सच पता लगाण विच सारी मेहनत भी तां तुसी कीती है ना। चलो सर जी जो गल्ला हो गई उन्हां ते पानी पाइए काम शुरू करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं मम्मी जी। जो लोग देशो जी का नाम खराब कर रहे सी ना वो सामने आए ते देशो जी का नाम साफ होया। तुहानू ना देशो जी का मुंह वेखना चाहिए। उस दिन के कांड तो बाद आज जाके उन्हां दे चेहरे दी रौनक वापस आई। लगदा देशो दी खुशी तेरे लिए काफी मायने रखदी है ना। मेरे कोलों ना उन्हां नूं तंग देखिया नहीं गया। इदां लगदा सी जिद्दां ओह नहीं बल्कि मैं ही तंग। ते जदों मेरे नाल सीधे मुंह गल नहीं करदे सी ना बड़ा अजीब लगदा सी। हुण मैं किद्दां समझावां तुहानूं। मैं सब समझदी हां पुत्त बस इसे तरह ही खुश रह। पर मम्मी जी मैनू समझ नहीं आया कि ये लोग देशो जी ते मेरा नाम खराब क्यों करना चाहते सी। आखिर इन्होंने मिलिया कि ये सब करके लोगों तो दूजे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पर हुण जे किसी ने देशो जी नू परेशान करने की कोशिश की ना फिर तू है ना। अरमान दी मां वो चाह लै भी आ हुण। हाँ जी हुणे लाई। पीनी भी लिया दे। हाँ जी हुणे लिया। ठीक है आंटी मेरे लिए चाह बनानी भी भूल गया। चलो कोई गल नहीं छेती छेती बना लियो। शर्म तो बेच के पी गई तू। देशों नाल इन्ना कुछ करने तो बाद तेनू इस घर च कुछ मंगदा शर्म नहीं आती। जा तां की तेनू इस घर विच पानी दा गिलास भी नहीं मिलना हुण। अच्छा तुहानू ऐ लगदा है कि देशों नू मैं फसाया है पर जो कुछ भी देशों नाल होया ना ओदे अपने करके होया और सब कुछ सामने आया। वो कहंदे आ ना सच हमेशा कोड़ा हुंदा है ते हमेशा दी तरह मैं हैगी भी हां दोष लैन दी। देशों जिन्नी शरीफ दिसदी है ना ओनी ओ है नहीं। हुण जे सच सामने आया वो ताड़े तो पचदा नहीं पिया। सारियां गल्लां ना तू सानू ना दस असी आप देखिया देशों नू मेहनत करके ए मुकाम हासिल कर दे। मेहनत हाँ बिल्कुल हुण बॉस नू पटाण दे विच मेहनत तां लगदी है बस एक बार पट गया ना फिर तां मंजिल अपने आप ही मिल जानी है। और सारे तेरे वर्गे तां नहीं हुंदे सिंपल। मैनू पता सी तुसी इस सब च ना मेरा नाम तो लैके आना ही है। तुहानू ऐ लगदा ना जिद्दां मैं अरमान नू फसाया ते होर देशों भी तो वही करी दुग्गल नु फसा के करो ओदा भी नाम बदनाम। तेरी हिम्मत कितना हुई देशों नु बदनाम करन दी सिंपल। जिन्नी दुश्मनी पालनी है ना पाल मैं सह भी लवांगी। जे मेरे मापिया नू हथ भी लाने की कोशिश की ना याद रखी मैं हजे भी ओही पिंड की कुड़ी हां जेड़ी तेरा हथ तोड़ भी सकती। तू जिन्नियां चालां चलनियां सी ना चल लईआं हुण बस कर। दफ्तर चों तां कड्डी जा चुकी है उन्नी बेइज्जती काफी नहीं सी तेरे वास्ते जो फिर आगे बेइज्जती करा ते यहो जी नौकरी ना मैनू चाहिदी भी नहीं सी। चाहिदी नहीं ए नौकरी तेरे लायक भी नहीं सी। अपने सुपने तो पूरे कर ही नहीं सकती अंगूर खट्टे ओ कहावत तो सुनी होनी है तू। ते नाले जे दिमाग ही दूजी गल्लां वाल होऊगा ते काम कौन करू। बस इक्को गल भरी है दिमाग विच किद्दां दूजियां दी जिंदगी खराब करनी। तू पहला ही मेरे तो सब कुछ खो चुकी पर हुण जे तू मेरी मेहनत नाल कमाई चीज ते नजर भी पाई ना ते याद रखी मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। आवाज थल्ले बोलना तू मेरे घर च खड़ी है। बेईमानी नाल कमाया कर तेनू ही मुबारक होवे। मैं जो भी कमाया ना अपनी मेहनत नाल कमाया अपने पुत ते अपने वास्ते कमाया। ते जे तू मेरे उस सुपने को तोड़न की कोशिश भी की फिर मेरे तो बुरा होर कोई नहीं होएगा। वाह देशो वाह जिन्हें तेनू इस घर दे विच रहन दी जगह दिती जिन्हें तेरे सिर ते इस घर दी छत दिती तू उन्हें इदा गल कर रही है जेड़ा घर तू धोखे नाल कमाया उदों ते तेनू बड़ा गुरूर हो रहा अज। रख अपना घर अपने को मैं तेरे इस घर विच रहना भी नहीं चाहती। बस मैं अपने पुत नू तेरे कोल छड़ के नहीं जाना। मेरा पुत मैनू वापस कर ते मैं हुणे निकल जांदी इस घर विच। हाँ हाँ ते मैनू भी कोई फर्क नहीं पैंदा तेरे नाल ते तेरे उस पुत्तर नाल इन्ना चंगा ही है निकल जा इस घर तो। चल चल निकल इत्थों। रुक जा सिंपल। जिन्नी छेड़नी बनना बन जा पर एक गल ध्यान रखी जो मेरे को है ना वो मैं किसी को खोण नहीं देवांगी। सिंपल मैं तेनों कदे कुछ नहीं कहता ते मैं कदे भी नहीं रोकिया पर हर चीज दी ना एक हद होंदी है ते तू वो हद पार कर चुकी है। ओ क्यों सारे लड़दी फिरदी है? तोनू मेरा साथ देना चाहिदा सी। उदों तुहाडी जुबान ते ताला लगा होया सी, चू भी नहीं कीती। वड्डे आए मेरा साथ देने की गल करदे हो। अच्छा मैं तेरा साथ कदे नहीं दिता? मैं अपने घरदियां के खिलाफ जाके सिर्फ तेरा साथ दिता है ते हर काम तेरा साथ दिता है। पर सिंपल हुण ना हद हो गई हुण तां मैं तैनूं दिलासा भी नहीं दे सकदा। मैनूं तुहाडा दिलासा नहीं चाहिदा, साथ चाहिदा तुहाडा। तुसीं वेखिया सारे जाने किद्दां बोल रहे, मैनूं किद्दां गल्लां कर रहे ने, सारे मेरे खिलाफ होए पे ने। नूं समझना पऊगा सिंपल तेरे कारनामे तैनूं लैडू बनावां। देख समझदारी नाल काम लिया कर क्योंकि दुनिया फतेह ना सिर्फ समझदारी नाल हुंदी है। नाले वैसे भी देशों हुण बहुत ज्यादा ताकत होगी ना, इस घर तो बाहर होगी। बॉस अपने ऑफिस है, इस घर च नहीं। शाबाश मेरी शेरनी, आज तेनू इतना देख के ना मेरी छाती मान नाल फुल गई। और कल दी आई सिंपल नू जिहड़ा तू सबक सिखाया ना, ये देख के तो मेरा जी खुश हो गया। तेनू जिन्ने बार भी किसी ने डिगाउण की कोशिश की है ना, तू तो हमेशा फतेह होके उपर उठी है। ते तेनू इस तरह मजबूत होंदी देख के ना मेरा जी ते मन हमेशा खुश हो जाता है। पापा जी जदों तक तुहाडा ते मम्मी जी दा हाथ मेरे सिर दे उत्ते है ना, मेनू किसी चीज दा डर नहीं। मैं हमेशा अपने आले खड़ी हो सकती हूँ, उन्होंने लड़ सकती हूँ। सिंपल मेरी गल सुन, तू सिर्फ अपने बारे क्यों सोच रही है? देख जो भी तू इस घर के करेंगी उसका सारा असर मेरी नौकरी पर पाऊगा। तो जो मैं नौकरी तो करता फिर वो पैसे कितों लैके आवांगे? हाँ ना जेडे महंगे महंगे कपड़े पाने हैं ये कितों आएंगे? देख सिंपल सानू लोगों को पैसे मंगने पैने। नाले तू तो नौकरी चो निकल चुकी है, मैं तो अपनी नौकरी बचाण देना। तुसी ना किसे काम दे नहीं हो, बस कल्ला करन जोगे हो। सिंपल सिंपल उस जब दा ना है जिन्हें ना आप शांति नाल बहना ते ना दूजे नूं बहन देना। कुत्ते दी पूंछ सीधी हो जूगी पर इस कुड़ी ने सीधे नहीं होना। पता नहीं अरमान नूं की दिसदा इस दे च, किसे दिन खाई जाना इन्हें। चुड़ैल ने मेरे पुत्त नूं भी। कित्थों दा पुत्तर? पुत्तर दी जिम्मेदारी तां साड़ी देशों पूरी कर रही है। उनका जो सिंपल ने करना ना वो अरमान दे लिए करे। और मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि वो दोवें बने ही एक दूजे दे लिए। उन्हें जो करना करे होदा तां रब। मैं उन्हें अपने पुत्त दे भविख दे रस्ते विच रोड़ा नहीं बनन देना। बस एक बार मेरे पुत्त दी जिंदगी सुरक्षित हो जाए फिर मैं उहदा साया भी नहीं पैण देना अपने पुत्त दे उत्ते। रब तेनू इस सब दे नाल लड़न दी हिम्मत देवे बेटा। इस देशों नू ना मैं छड़ना नहीं हुण। समझदी कि अपने आप नू हुण पैरां थल्ले दबा के रहांगी मैं, फिर पता लगेगा उहनू उहदी असली जगह। हाँ बिल्कुल, पहला शांत हो जा फिर चाहे जिन्नू मर्जी पैरा थले रोलदी रही। आज तक शांति ने केड़ा काम होया? इसलिए कह रहे हैं गुस्से नाल आज तक कोई मसला हल नहीं होया। आराम नाल बैठ ते अगे दी प्लानिंग बारे सोच दे। मैनू उदों तक शांति नहीं मिलनी जब तक मैं होंदी ना सारे सामने बेइज्जती नहीं कर लेंदी जिद्दां उन्हें मेरी कीती है। हुण मैं तो ऑफिस हैगी नहीं इसलिए मेरा काम भी तैनू करना पैना। केड़ा काम? दुग्गल नू देशों वल धकेलण दा काम। जे ऐ ना होया फिर साड़ा प्लान पूरा भी नहीं हो सकता। पर वो मेरी क्यों सुनेगा? आज तक तो उन्हें मेरी सुनी नहीं। नाले अज ही केड़ा नवा सूरज चढ़ा जिहड़ी मेरी सुनन लगेगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पाठ तो तू शांति ली कर रही पर शांति तेरे मन च है नहीं। दस की गल की सोचती पई है? मेरा तो दिल बहुत घबराई जाता है। जो कुछ भी होया ना ठीक नहीं होया। सजा तो उन्होंने मिल ही गई है। हम देशों लिए तो ऑफिस के कुछ नहीं कर सकती। उसकी शक्ल देखी सी तुसी किवें गुस्से च लाल होके आई सी। तुसी जानते नहीं उन्होंने, वो चुपचाप बैठने वाले चो नहीं है। गल तो तेरी सही है, वो इन्ना डिग चुकी है होर पता नहीं किन्ना को डिगे। वो जो मन चाहता ना वो उही करती है। देशों को सट पहुँचाने के लिए वो आप भी चिक्कड़ जरूरी पर कोई फर्क नहीं पिया। हुण पता नहीं वो की रंग दिखाऊंगे। मैं कुछ करता नहीं सकती पर वाहिगुरू अगे अरदास जरूर कर सकती है कि साडी कुड़ी नूं ये सब सहन करने की शक्ति दवे। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। की कर रहे हो तुसी? ओ, मैं सोचा तो कली लगी हुई है, तेरी थोड़ी हेल्प कर दें। मैं रोज ही सारा काम कली कर दी, आज कोई नवी गल नहीं। तुसी दसो थानू कुछ चाहिदा? कुछ चाहिदा तो नहीं पर मैं कोई गल करनी सी। दसो। मैं माफी मंगना चाहता सीगा सिंपल दे वल्लों। बस करो अरमान, खतों तक उदे पाए गल नूं साफ करते रहोगे? किसी नूं तो करना पऊगा ना। नाले इस बार तो उन्हें हाथ पार करती, उन्होंने ना इस साल तक डिगना नहीं चाहिए सीगा। अपनी माफी ना अपने कोल रखो। इस माफी का उदों तक कोई फायदा नहीं जदों तक सिंपल नूं अपनी गलतियां दा एहसास नहीं हो। उन्होंने तो कदे कुछ गलत लगता ही नहीं है। मैनू लगता तुसीं उन्होंने रोक भी नहीं सकते। चंगा आई होगा तुसी माफी ना ही मंगो ते जे इस तो बाद उन्हें होर कोई हरकत कीती तो फिर देख लो। मैं बहुत सह लिया पर हुण होर नहीं सहांगी। सिंपल दे अपने कर्म हुण वापस आके वड्डणगे जरूर पर मेरे उधर रिश्तेदार खुद ही करतूता असर मेरे ऊपर तो नहीं पाऊगा ना। जे कम बारे सोच रहे हो ना थानू फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं। असीं सारे इत्थे वड्डे आ समझदार भी। सानू चंगी तरह पता है कि घर दीआं गल्लां वख रख के ही नौकरियां हुंदियां पर जे अगे अत होई तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। तुसीं तां मैनू रोज ही चौंकांदे हो। मैं पर किस तरह? कोई इंसान सिर्फ अपने बारे किस तरह सोच सकता है? वैसे तो मैं सारा काम आप ही करदी हां रोज पर जे हुण तुसीं आए हो ता आ गए। इहनूं मूर्ख बनाउणा कोई सौखी गल नहीं। मेहनत तक करनी पऊगी। तेनू ज्यादा मेहनत करनी पऊगी। पहले वांग काम नहीं चलना। तेनू अपनी मम्मी की नजरों में आना पैना ते वो भी चंगी तरह क्योंकि तेरी मम्मी आ जो साडी मदद कर सकदे। पर वो की कर सकदे इहदे विच? क्यों तू जानदा नहीं है? तेरी मम्मी अपनी एक नज़र नाल ना रणवीर कोलों कुछ भी करवा सकदे। नाले तू सुनिया नहीं है मावां नूं अपने बच्चों की खुशी प्यारी हुंदी है ते तुहाडी मम्मी किहड़े वख? हाँ खास करके उन्होंने खास मुंडे रणवीर लिए। वो अपनी जान भी निछावर कर सकते। बस हुण तू ऐ पक्का करना है कि उस रणवीर दी खुशी ना देशो ही बने। सियाणी तो वैसे है तू सिंपल, तेरे विच कोई दो राय नहीं। तू पूरा प्लान तो सुन ले, बस एक बार मिसिस दुग्गल दे मन विच रणवीर ते देशो दे सुपने आ गए ना, फिर मैं खोलूं अपने हुक्म दा इक्का। ते वो केड़ा हुक्म दा इक्का है? ले तां आसानी बहुत आ, तू भी बुझ सकदा। पर तेरे मुंहों सुनन दा ना स्वाद ही वखरा है। ते ओह हुक्म दा इक्का है, अरमान ते देशो दा रिश्ता। रिश्ता भावें टुट गया पर परछाई तो रह ही जाती है, ते उस परछाई नूं पहुंचाना है रणवीर तक। मतलब तू सब कुछ प्लान करी बैठी है? हाले तक तो नहीं, पर सब जल्दी शुरू हो जाए सही समा आते। मैं तेनू जड़ा काम दिता ना, बस तू वो कर, तू अपनी मम्मी वाल ध्यान दे, बाकी सब मैं चंगी तरह संभाल लूं।